गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं अच्छी हूँ, मैं भगवान से देख रही हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप लोग देखते होंगे हमेशा किचन से ही आप लोग का वेलकम करती हूँ। तो क्या करूँ गाइस, सुबह में उठती हूँ तो किचन में आ ही जाती हूँ, तो वहीं से मैं आप लोगों का वेलकम कर लेती हूँ। अभी तो मैं नहा ही नहीं हूँ, मतलब उठ के ब्रेकफास्ट बना ली हूँ, क्योंकि दोपहर का 2 बजे से ड्यूटी रहता है। तो मॉर्निंग में थोड़ा कुछ ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद दोपहर में लंच करके ऑफिस जाते हैं। तो अभी इधर पतिदेव और शानवी बैठ के लंच कर रही हैं। तब अभी क्या खत्म ना, गैस खत्म हो गया था ना। आपका फेस क्यों ऐसे धुंधला दिख रहा है, अच्छे से बैकग्राउंड। अब मानवी शानवी गेम खेल रही है। इसलिए मैं पतिदेव के लिए रोटी लेके आती हूँ। रोटी शेष हो गया, मैं रोटी बना रही थी और हमारी गैस खत्म हो गई थी, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। फटाक से पहले उनको मैं रोटी बना के दे देती हूँ, फिर मैं नहा हुआ के आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है गैस, तो बने रहिए तब तक। कल मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, थोड़ा बहुत सामान भी, क्योंकि कल मेरी इतनी ज्यादा सर्दी जुकाम हो गई थी, इस वजह से बिल्कुल मुझे अच्छा कुछ नहीं लग रहा था। वीडियो वीडियो बनाना कुछ भी अच्छा नहीं फील नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं शूट की थी। तो मॉर्निंग वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम सो रहे हैं और मम्मी सो रही है, हम दोनों यहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी बोल रही पहले चाय बना के देखे तब उठे, मेरे को चाय बनाने नहीं आता। चलो चलो की चाय बनाने खेल रही हूँ। सुबह में आप वीडियो देखे थे, मम्मा पापा सो रहे थे और मम्मा मुझे कह रही थी चाय बना के ला, मैं वो तो आप देख लिए होंगे। तो ये देखिए क्या छिपाएंगे अंकल सुना, आपका इमोज कौन बना दिया है। आज मेरा गैस फाइनली एसी मेरा ठीक हो गया, अभी जस्ट ठीक करने वाले भाई सब आए हैं। हाय गैस, अभी मैं नहा धो के रेडी होके बैठी हूँ चेयर में, और एसी बन जाए तो गर्मी कुछ ज़्यादा लगने लगता नहीं जानू। कल तक तो सब ऐसे रहते थे, आज एसी बन गया तो चलो एसी चला के लेटो। हमारे पतिदेव जी भी इसका ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं यहाँ पर लेट के, और इधर मानवी पढ़ाई कर रही है बैठ कर। सानू बेटा गेट पहले बंद करके आइए। तो सानू हमेशा गेट खोल के छोड़ देती है। हाँ दे दूंगी, आप पहले गेट लॉक करो, चेयर पे बैठ के कुछ कार्रवाई। अरे दरवाजा खुला है सुना, एसी चल रहा है ना। अरे यार एसी बंद। मैं किचन में आ चुकी हूँ, 1 बज गई है। इधर मैं गोल गोल पूड़िया छान रही हूँ, देख सकते हैं। और इधर आलू श्यावड़ी की ड्राई सब्जी बनाई हूँ, क्योंकि आज मैं चावल नहीं बनाई हूँ दोपहर में। आज एक आदसी है, मैं जान जाती हूँ तो नहीं खाती हूँ, नहीं जानती हूँ तो फिर खा लेती हूँ। तो पहले जल्दी से पतिदेव को दे देती हूँ, क्योंकि उनका फिर ड्यूटी, उनको जाना है तो 1:30 में जाएंगे, 1:45 में जाते हैं। पहले से मैं जल्दी से उनको दे देती हूँ ताकि वो लंच करके चले जाएंगे। सुबह में भी मैं रोटी बनाई थी, रोटी भिंजी भिंडी भाजी भिंडी फ्राई बनाई थी, और अभी मैं आलू सोयाबड़ी की सब्जी कचौड़ी बनाई हूँ। और शाम को भी ज़बरदस्त आइटम आज बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। गर्मी तो पड़ रही है लेकिन क्या करूँ सिंपल कुछ अच्छा नहीं लगता है खाने में। चावल होता तो फिर चावल दाल साग चटनी चोखा यही बनाती हूँ, लेकिन अभी चावल कितना इधर से धूप आ रही है जिसकी वजह से फेस एकदम लाल दिखाई। तो चलिए गाइस मैं बड़े पतिदेव को खाना दे के आती हूँ। तो गाइस शानवी कहाँ जा रही हो, शानवी अरे शानवी बाहर में वॉकिंग करिए, कितना किसी कैट चल रही है। कहाँ जा रहे हैं, इधर घूम के बताइए सबको। दीदी को कहाँ से लाने जा रहे हैं आप। दीदी कहाँ से गई, आज इतना गर्मी की वजह से मैं परेशान थी, जो कुछ ऐसे ही चली आई बाहर। बेटा ऐसे देखो ठीक से किचन में, तो देख सकते हैं मैं ऐसे ही बाहर जा रही हूँ आज।
इधर आजकल तो मैं नहा रही हूँ तो क्रीम भी नहीं ये करती, यूज नहीं कर रही, फेस पे पूरा दाना निकल गया है। आ सानू बेटा जल्दी चलिए, दीदी रो रही होगी, 6 बज गया है, आ जाओ चलो। तो मैं चाबी गिर गई हमारी, अभी मैं और सानवी जा रहे हैं शुभ को लेने के लिए, सानवी भी मेरे साथ जा रही है, बोली मम्मा मैं भी जाऊंगी दीदी को ट्यूशन से लेने, जब छोड़ने गई थी तो सानवी को छोड़ के गई थी मैं। तो चलिए गाइस मैं मानवी को उधर से पहले लेके आ जाती हूँ जल्दी जल्दी, ना सानवी सर को बोल दीजिए चलिए हम फिर मिलते हैं, कह दीजिए ओ गुगली बाय बाय, दीदी को लेके फिर मिलते हैं। हिचकी आ रहा था रास्ते में तो सानू को जूस चाहिए, क्या चाहिए सानू बेटा? जूस। तुमको क्या चाहिए, आपका भी एनर्जी चला गया था? हाँ। इतना गर्मी है दोनों का एनर्जी चला गया, चलो बेटा चलते चलिए तो लेट हो जाएंगे हम लोग। फिर दोनों को भी मैं जूस खरीदी, पियो चलो पीते हुए आराम से लेके जाती हूँ मैं। सानू बेटा टीचर है नीचे देख देख के चलिए, आराम आराम से, आराम आराम से एनर्जी लेते हुए आप पीते हुए चलिए आराम से। तो शाम हो चुकी है बहुत ज्यादा, तो फेस डल डल दिख रहा है। यहाँ पे कोई महोत्सव होगा तो उसका वीडियो उठा, कल्पना आंटी पढ़ के बताएंगी, मेरा वीडियो देखेंगी तो और लिटिल भी बताएगी जी ये क्या महोत्सव किस चीज का हो रहा है कब से हो रहा है। उड़िया पढ़ने आता है मानवी? नहीं तो नहीं आता, लिटिल दीदी आपको आता है तो प्लीज पढ़ दीजिए। अभी बन रहा है गेट उठ बन के, फील्ड के अंदर भी पंडाल बन रहा है तो हम लोग आएंगे देखने, इसके अंदर कोई महोत्सव होने वाला है शायद, देखो देखो नहीं यहाँ पर कुछ होने वाला है सुना, मैं भी ट्रांसलेशन करके उसको पढ़ के बता देती हूँ क्या होने वाला है। गाइस देखिए इधर मंदिर में घंटी बज रहा है, मानवी उधर चली गई है और शान भी यहाँ रुक के अपने से प्रणाम कर रही है। किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान जी को। कहाँ है भगवान जी बेटा? देखिए ये बता रही है वहाँ है भगवान जी, ठीक है चलिए। मैं ट्यूशन से मानवी को लेकर आ रही हूँ, दुकान लेंगे इतना बेटा, कोई भी दुकान खरीद दो, अभी हम लोग का प्लानिंग हो गया मेरी और मानवी का, चलो मैं सब घुपचुप खा के आती हूँ। तो फाइनली हम लोग घुपचुप खाने के लिए मार्केट में एंट्री कर चुकी हूँ। नहीं सानवी कौन कौन घुपचुप खाएगी, मानवी इधर से चलो फिर घुपचुप खा के फिर रूम में जाऊंगी, चलिए दिखाती हूँ। आप तो घुपचुप खाने आई, दुकानदार है नोकर गया है। सानवी आप ही खाएंगे? सानवी रोड में उधर चलिए, खड़े मेन रोड है ना भाई, ऐसी ले गोटे टांग रहा गोटे आप भी लेंगे, आप तो नहीं खाएंगे खाओ। तुम मम्मा में से खाना, दीदी मचाएगी लपेटम लपेट। गई तो मैं भी कुछ वेजिटेबल्स ले ली हूँ, और ये काकड़ी कैसे दे रहे हैं? काकड़ी भाई काकड़ी जैसे किलो बोल रहा है, बहुत दाम बोल रहा है यहाँ पे सब्जी का। चलो बेटा देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना सूट की आज कटिंग कर रही हूँ, देखिए फ्रंट की कटिंग कर ली हूँ, कोई डिजाइन नहीं बना ली, बस ऐसी सिंपल बनाऊंगी, क्या डिजाइन बनाने में ना थोड़ा सा परेशानी भी लगने लगता है और अगर ज़्यादा कुछ लेस फेस डाल दो तो इचिंग प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो इस टाइप से बस सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ठीक है। तो इसकी मैं अभी कटिंग कर रही हूँ और कटिंग करने के बाद आज अब नहीं स्टिचिंग मैं नहीं करूँगी, कल स्टिचिंग करूँगी तो आप लोग से ज़रूर दिखाऊँगी, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताइएगा जी इसकी प्रिंट कैसी लग रही है और मेरे ऊपर ये कैसी लगेगी। मुझे तो कलर अच्छी लगी थी, ऐसे गर्मी का टाइम है ना तो रूम में पहनने के लिए क्या है जो कंफर्टेबल लगेगा, इसलिए मैं इसे लाई थी ऐसे रूम में पहनने के लिए। तो चलिए मैं इसकी बैक कटिंग कर लेती हूँ फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो देखिए गाइस मानवी सानवी को ट्यूशन से ला के गुपचुप गुपचुप खाने के बाद अभी मैं सबसे फ़ोन से थोड़ा बात की और उसके बाद अभी मैं बना रही हूँ लिट्टी छोला, आज बनाऊँगी तो लिट्टी छोले की मसाला मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, इधर मैं ये वाली मटर फुला के रखी हूँ और अभी उसके बाद लिट्टी बनाऊंगी। तो आप लोग को खाना है हमारी लिट्टी छोले का टेस्ट लेना है तो आइए मेरे घर जल्दी से। अगर किसी को मैं कैसे बनाती हूँ इसका पूरा रेसिपी जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर रेसिपी बताऊंगी, ठीक है गाइस। तो बने रहिए फिर दिखाती हूँ हमारी खूबसूरत खूबसूरत लिट्टी बन के हो गई है रेडी,
और इधर देख सकते हैं बन गई हमारी छोले। तो अभी पतिदेव भी ड्यूटी से आ चुके हैं, चलिए दिखाते हैं। जस्ट अभी आए हैं हमारे पतिदेव जी, आ गए और मानवी यहाँ कार्टून देख रही है और बैठ के खा रही है। मानवी का खा सकते चल रही है, हो रही है, जल्दी करिए बेटा। रात के 11 बज रहा है, हमारी मानवी बेटी बिछावन कर रही है लमर लमर के, पति देव आगे उधर से सो के उठ के एक झक मार के ऑफिस आए, झक मार दिए। हाँ जा रहे हैं, हट तो सुनो पकड़ दो। गाइस मम्मा डैडी बिछावन कर रहे हैं, या सानू क्या कर रही है हमारे नीचे से कर दिए ना, पानी हो ना इसको पकड़ो पहले है। हाँ, है? तो नहीं, रोशनी में फेस कितना लाइटिंग दिख रहा है और बाहर में ऐसे दिखता है, जब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा काला काला पड़ता है। तो गाइस अभी मैं खा पी के अब 10:15 हो गई है, हम लोग की बेड वेड लग गई है, तब मैं चली सोने के लिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने जो देखा उसे थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, अगर कुछ भी उसमें कुछ भी पॉइंट अच्छा लगा होगा तो कमेंट करिएगा। अगर हमारी वीडियो और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा तो एक शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर मैं कल मिलूंगी नए वीडियो के साथ, क्योंकि अभी काफ़ी रात हो चुकी है, पतिदेव का फिर सुबह में कल ड्यूटी है, अभी 11:15 हो गया है। मैं जाऊंगी बेड में वीडियो एडिटिंग वगैरह करूंगी, तो 12+ हो जाएगी हमारी सोते सोते, फिर मॉर्निंग में मुझे उठनी पड़ेगी क्योंकि उनका मॉर्निंग शिफ्ट ड्यूटी है, जनरल शिफ्ट है, 8 बजे जाएंगे। लेकिन तब तक खाना लंच सब करना बनाना पड़ता, प्रिपेयर करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए अभी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और थोड़ा सा अभी जाती हूँ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीती हूँ, उसके बाद फिर बेड में जाऊँगी सोंगी। तो गाइज आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ, फिर मैं कल आपसे उम्मीद करूँगी कि एक अच्छा सा वीडियो आपके पास लाए। तो आई होप कि आपको अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए गाइज, फिर मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से। चलिए फिलहाल के लिए मैं विदा ले रही हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।